एक औरत के साथ किया है वो नहीं, वो ये करके नहीं इस दुनिया से नहीं जो है ना इस दुनिया में उससे बच सकते हैं ना आखिर में बच सकते हैं. तो मेरे ख्याल में आज साफ किया गया है और मैं इन सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ. स्पेशली मेरी काउंसिल जो खड़ी हुई है साथ, बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर हसान, सारे मेरी जो काउंसिल हैं जो जो इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, मेरे ख्याल में इनके बगैर ये जो है केस इख्तिताम तक नहीं पहुँच सकता था. सुप्रीम कोर्ट में आज मैं खड़ी हुई हूँ, मेरी शायद इतनी इतनी बुक्कत नहीं थी, मेरे में इतना हौसला हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेली यहाँ तक पहुँच सकती और इस ट्रायल को इख्तिताम तक लेकर आ सकती, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ. नहीं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार कि ना बस थोड़ा सा आपको इसलिए इजाज़त दी कि आप वकील के बेटे हैं, अमूमन तो मुल्ज़िम को इजाज़त नहीं दी जाती किस चीज़ की आपके जज के लाहौर हाई कोर्ट के जज के चैम्बर में आप लोगों ने जाके सुलह करनी कोशिश की. सेशन कोर्ट का इल्जाम, उस सेशन का इल्जाम था गेट टू फैक्ट्स. अच्छा, जो एविडेंस बहुत कम कलेक्ट किए सेशन में, हम क्या कह सकते हैं कि वो क्लास इतने ताकतवर थे कि वहां पर कोई एविडेंस भी नहीं कलेक्ट किए. जो वेल द सुप्रीम कोर्ट थिंक द एविडेंस इज इनफ. यार आप कह रहे हैं काम में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है. इस केस में स्पेशली मैं कहूंगी कि इतना एविडेंस था, ओवरवेलमिंग एविडेंस था कि उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता था और बरी नहीं किया जा सकता था. लेकिन आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल दुरुस्त है. नीचे केसेस बहुत खराब किए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत 99% केसेस में एक्विटल हो जाता है. मेरे ख्याल में वो हमारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. अच्छा, ये बताइए कि आप कानून पढ़ रही हैं, क्या आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस करेंगी? और दूसरी बात ये कि क्या आप फौजदारी कानून जो हैं, क्रिमिनल लॉ, इसी में प्रैक्टिस करेंगी, स्पेशलाइजेशन करेंगी? इसी के साथ वकीलों की बहुत ज़्यादा पावर जो है, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो पावर से बड़ी अल्लाह ने अपनी पावर दिखाई है और इंसाफ की है. लेकिन जो आपका सवाल था, बिल्कुल मैंने इस सिस्टम में रह के हमारी अपनी जुडिशरी में ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरा लॉ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, लेकिन अब मैं बार एट लॉ कर रही हूँ लंदन में. मेरी कल फ़्लाइट थी, मैं वापस आई हूँ सिर्फ इस केस के लिए, क्योंकि मैंने एक वादा किया था हमारे मुल्क की ख़वातीन से, हमारे मुल्क के उस ओप्रेस तबके से, कि मैं इस केस को आखिर तक पहुँचाऊँगी, चाहे मुझे जितनी भी जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े. और वो मैंने आज वादा पूरा किया, मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैंने केस अटेंड किए, हियरिंग अटेंड किए और इसको एंड तक पहुँचाए. सुप्रीम कोर्ट था फाइनल नेल इन द कॉफिन, उसने आज सर्व किया और मेरे ख्याल में ये एक लैंडमार्क केस है, इसको फॉलो किया जाएगा फ्यूचर केसेस में और ये एक बीकन ऑफ लाइट है हमारे जो वुमेन है उनके लिए, क्योंकि जिनके केसेस दबे पड़े हैं, जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, उनको एक जो है नई उम्मीद मिली है कि हमारे भी केसेस इसी तरह अब जल्द से जल्द जो है फैसले किए जाएंगे और इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं वो नहीं होंगी उनके केस. क्या हो जाएगा?